₹80 उधार लेकर 7 महिलाओं ने शुरू किया था पापड़ बनाने का बिजनेस। आज इस पापड़ से करती हैं ये लोग करोड़ों का टर्नओवर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लिज्जत पापड़ का। आज के समय में लगभग हर घर में इस ब्रांड का पापड़ मिल जाता है। इस कारोबार की शुरुआत नाम कमाने या बहुत अधिक पैसे कमाने के लक्ष्य के साथ नहीं शुरू हुआ था। इसे तो गाँव से ताल्लुक रखने वाली कुछ महिलाओं ने अपने घर की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू किया था। मात्र ₹80 में शुरू हुआ यह पापड़ का बिजनेस आज करोड़ों का करता है टर्नओवर। शुरुआत में 4 पैकेट बेचे गए, तब शायद उन 7 महिलाओं को यह पता नहीं होगा कि आने वाले समय में उनके पापड़ केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में पसंद किए जाएंगे। साल 1959 में मुंबई में रहने वाली जसवंती बेन ने अपनी 6 सहेलियों के साथ मिलकर पापड़ बनाना शुरू किया। वे अपने परिवार के खर्चे में अपना सहयोग देना चाहती थी। उनका मकसद कंपनी शुरू करना या करोड़पति बनना बिल्कुल भी नहीं था। ये सभी महिलाएं गुजरात से ताल्लुक रखती थी, इसीलिए उन्हें पापड़ बनाना बहुत अच्छे से आता था। 15 मार्च 1959 को इन सहेलियों ने इस छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की। इनमें 6 महिलाएं पापड़ बनाती थी और 1 महिला पापड़ बेचने जाती थी। इस व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए इन महिलाओं ने ₹80 उधार लिए थे। उधार के ₹80 से इन गुजराती महिलाओं ने पापड़ के 4 पैकेट बनाए और एक बड़े व्यवसायी छगन लाल को बेच दिए। कुछ समय बाद व्यापारी ने महिलाओं को और पापड़ बनाने का ऑर्डर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे इन महिलाओं ने पापड़ बनाती और उस व्यापारी को बेच देती, जिससे धीरे धीरे इनका पापड़ काफी फेमस हो गया। और उसी व्यापारी ने जसवंती बेन और उनकी सहेलियों को सीख दी कि वे अपने पापड़ की गुणवत्ता के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगी तो आगे चलकर उनके पापड़ की मांग और बढ़ जाएगी। और हुआ भी वैसा ही। आज लिज्जत पापड़ की मांग बहुत बढ़ चुकी है। बाजार में भले ही अन्य कंपनियों के भी पापड़ आ गए हैं, लेकिन आज भी लोगों की जुबान पर लिज्जत पापड़ का नाम ही आता है। अब महिलाओं को व्यापारी ने मार्केटिंग खाता संभालने के बारे में सिखाया। धीरे धीरे यह कारोबार बढ़ता चला गया और महिलाएं इससे जुड़ती चली गई। लगभग 50,000 से भी ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं। पूरे भारत में लिज्जत पापड़ के समूह की 60 से ज्यादा शाखाएं भी खुल चुकी हैं। आज महिलाएं गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का कारोबार करोड़ों की कमाई कर रही है, जिससे अब न केवल पापड़ बल्कि खसरा बेकरी प्रोडक्ट और कई प्रकार के मसालों का भी निर्माण किया जाता है। दोस्तों ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर देना।